हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेग, चाल, त्वरण, विस्थापन की डिफिनेशन, पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लैक आइकन घंटी को प्रेस करें। फर्स्ट टॉपिक है मेरा वेग। वेग को इलास्टिक बोलते हैं। वेग की जो डिफिनेशन हो जाएगा, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन बता सकते हैं, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। कैसे हो जाएगा? विस्थापन को किसे प्रदर्शित करते हैं? मीटर से और समय को सेकंड से। यस, मीटर प्रति सेकंड, यह इसका मात्रक हो जाएगा। एक बार और इसका परिभाषा बता देते हैं, दो इसके परिभाषा बता सकते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका जो सूत्र होगा, फार्मूला होगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन अपान समय। नेक्स्ट देखते हैं चाल, दूसरा क्वेश्चन। इसे स्पीड बोलते हैं। इसका जो परिभाषा हो जाएगा, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। यह किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपान समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपान समय। यह क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। यहाँ क्या हो जाएगा? दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ से मीटर, और समय को सेकंड से। इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। वेग और चाल की डिफिनेशन जो हो जाएगी लगभग सेम ही हो जाएगी। और यहाँ पे चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से। और वेग को वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विस्थापन। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं की, मान लो कोई एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक इसका एसआई मात्र क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब विस्थापन का जो सूत्र फार्मूला होगा, विस्थापन बराबर क्या? वेग गुणे समय हो जाएगा। विस्थापन का जो डिफिनेशन हो जाएगा, एक बार और बता देते हैं, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं की बीच की दूरी, लंबवत बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। त्वरण, त्वरण का क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। त्वरण क्या होता है? एक मंदन का काम करता है। जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, उसका स्टार्ट करते हैं, वो क्या होता है? प्रारंभिक वेग अंतिम वेग को क्या करता है? वो घटाता है। वो चीज़ को एक्सीलेटर क्या, गति को बढ़ाता भी है और घटाता भी। किसी गति को कम करने या बढ़ाने में इसका यूज होता है त्वरण का। इसका जो फार्मूला निकल जाएगा, त्वरण ये बराबर हो जाएगा ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय हो जाता है। वी माइनस यू अपान टी, ये इसका सूत्र होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये इसके फार्मूले होंगे। बेसिक एक बार और रिविजन करा देते हैं। वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यह एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग का जो फार्मूला हो जाएगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन अपान समय। चाल के किसे कहते हैं? किसी वस्तु को विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी अपान समय हो जाएगा। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? वेग गुणे समय हो जाएगा। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका जो फार्मूला हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा वी माइनस यू अपान टी। यह मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद।